दमोह विधानसभा 55 के उपचुनाव के लिए शनिवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। सुबह 7 बजते ही मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई और मतदाता भी अपना विधायक चुनने के लिए मास्क पहन और गोलों में खड़े होकर वोट डालने की कतार में खड़े दिखे। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया देरी से शुरू हो सकी। मतदान की शुरुआत में मॉक पोल के बाद मशीन सील करने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को समय लगा। इस कारण कई केंद्रों पर मतदान करीब 40 मिनट देरी से शुरू हो सका। वहीं मतदान केंद्र 240 आम चौपरा में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आई, इससे मतदान शुरू होने में देरी हुई। सूचना पर नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मशीन का सुधार कार्य कराया, तब केंद्र पर मतदान शुरू हो सका। इसके अलावा कुछ केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों के देरी से आने के कारण वोटिंग शुरू होने में देरी हुई। सुबह 9 बजे तक दमोह में 8.24% मतदान हुआ। वहीं मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की काफी कम भीड़ देखने को मिली। शुरुआती दौर में कम लोग केंद्रों पर पहुंचे। यहां वोट डालने आए मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए गोलों में खड़ा कराया गया। वहीं केंद्र में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से मतदाता का तापमान जांचा गया। इसके अलावा मास्क व ग्लव्स पहनाए और फिर मतदाता ने अपना वोट डाला। 2.3 लाख मतदाता करेंगे वोटिंग। दमोह उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 7 बजे तक चलेगा। मतदान के दौरान कोविड-19 संबंधी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। मतदान के पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार दमोह विधानसभा उपचुनाव में 2,39,808 मतदाता शामिल होंगे। इनमें 1,24,345 पुरुष और 1,15,455 महिलाएं, 8 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।